लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा दिल्ली की केंद्र सरकार बहुत ही कमजोर स्थिति में है और अगस्त तक केंद्र सरकार गिर सकती है, और उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कह दिया। तो बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी आरजेडी का यही रुख था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए बहुत जल्द जो है ये सरकार नहीं चलने वाली है क्योंकि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का केंद्र सरकार पर निशाना, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत कमजोर स्थिति में है। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है, हो सकता है कि अगस्त तक केंद्र सरकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने मोदी सरकार को लेकर जो बयान दिया उससे घमासान मच गया। लालू यादव ने अगस्त तक केंद्र सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है, हो सकता है कि अगस्त तक केंद्र सरकार नहीं है। इस दौरान सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। बिहार के भरोसे सरकार चल रही है, भारत की चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो, यही सच्चाई है। लालू के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। केसी त्यागी ने कहा है कि लालू यादव घोर निराशा में है। लालू जी निराशा में हैं, जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चले। लालू यादव के बयान ने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया है, साथ ही उन्होंने नए सियासी समीकरण बनने के संकेत भी दे दिए हैं। तो वही तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा केंद्र सरकार बिहार के भरोसे चल रही है, तो बीजेपी ने भी इस बयान पर पलटवार किया। बिहार के भरोसे सरकार चल रही है, भारत की चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो, यही सच्चाई है। लालू यादव जी के उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो अब सपना जो देख रहे हैं बड़ा उनको घबराने वाला सपना आ रहा है। हमारी कामना है कि वो स्वस्थ हो जाए। तो लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा लालू यादव वो सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और इस देश को बढ़ा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। इसलिए अब बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करती है, नीतीश कुमार जी में विश्वास करती है, एनडीए भाजपा में विश्वास करती है। अब बिहार की जनता जंगल राज स्थापित नहीं होने देना चाहती है, बिहार को बर्बाद और बदनाम नहीं होना देना चाहती है, यहाँ अपराधियों का राज बिहार की जनता नहीं चाहती है, और इस सब के प्रतीक इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन को 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए धूल चटा दे। यादव अपना देखें, नीतीश कुमार का पैर पूजें, नीतीश कुमार के फोटो लगा करके बाप बेटा उनको जाके चरण छुएं, जो उन्हें एक 2015 में एक लाइफ दे दिया, नहीं तो फिर अगला बार ये 22 सीट पर अटकेंगे।